বিজেপিকে সমর্থন করেও হয়নি দাবি পূরণ, ফলে এবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করবে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ দার্জিলিং জেলা। শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা ঘোষণা করে সংগঠনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের একটা সাংবাদিক বৈঠক করে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ দার্জিলিং কমিটির সদস্যরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কি জানিয়েছে শুনে নিন। हम लोग का है डिस्ट्रिक्ट, हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट खाली है, वहाँ पर जलपाईगुड़ी अलीपुर तो है, टोटल हम लोग आदिवासी है। वहाँ तक यहाँ तक हम लोग एक ही विकास परिषद, वहाँ तक ये विधानसभा लोकसभा के लिए ये आह्वान किया बिरसा तिर्की जी ने कि हम लोग को टीएमसी को सपोर्ट करना। दार्जिलिंग जिले के लिए है, हाँ तराई तराई क्षेत्र, ये वोट के लिए, वोट तो एक जगह में मैंने तराई द्वार हम लोग का मिल के ही है विधान लोकसभा वोट का, हम लोग का राज्य सरकार को सपोर्ट करने के लिए हम लोग का अलग बोर्ड के लिए, लेकिन बोर्ड का अंदर ही हम लोग तराई वाला बोलने चाहते हैं कि तराई के लिए अलग बोर्ड। बीजेपी आप लोग को क्या प्रतिश्रुति क्या दिया था? बीजेपी तो बहुत प्रतिश्रुति दिया था, हम लोग का घर देगा, आयुष्मान भारत देगा, हम लोग का इलाज होगा 5 लाख रुपया में, ऐसा भी लागू नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग का तराई डुवर्स का जो मिनिमम वेजेस है उनका भी लागू करने का पेपर भी आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी लागू नहीं हुआ। तो हम लोग देखा कि मैंने दोनों तरफ से ही हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन इस बार बोर्ड के लिए कारण कम से कम हम लोग का आदिवासी लोग के लिए डेवलप हम लोग अपना हाथ से कर सके, ऐसे तो पार्टी को बहुत भरोसा किया लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग अभी इस तरफ हम लोग का बोर्ड से हम लोग डेवलप करेंगे बोल के अलग से हम लोग बोर्ड चाहते हैं। ना इस बार नहीं भेंट की, इस बार भेंट नहीं किया, अगला बार हम लोग बहुत उसको ये किए थे, 4 लाख वोट से जीतने का कारण है, हम लोग तो बोलेंगे आदिवासी समाज ही उनको सपोर्ट किए थे नीचे तराई तरफ से, हर पहाड़ वाला था है राजू मिस्टर। आप लोगों का जो डिसीजन लिया है तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ेगा आपको लगता है? हमारा तरफ से तो बगानी एरिया से तो हम लोग कम से कम 65% हम लोग एग्री है, हम लोग आदिवासी समाज से जो हम लोग लोकसभा वोट में हम लोग ये जो हम लोग MP जो खड़ा है गोपाल लामा उनको हम लोग सपोर्ट करें। इसके लिए आप लोग बगान में क्या करेंगे, क्योंकि सबको तो पता नहीं होगा ना। हाँ अभी कैंपिंग करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे हम लोग जाके, ऐसे तो हम लोग को कमिटी बन गया, बिरसा तिर्की जी उस दिन आके हम लोग को निर्देश दिया कि हम लोग अभी हम लोग को व्यवस्था इतना बोर्ड तो दिया था, फिर से बोर्ड को लागू करवाने के लिए आप लोग को दीदी का सपोर्ट करना है बोला, तो हम लोग को जो प्रेसिडेंट बोल दिया हम लोग उसी में समर्थन होके आज प्रेस में आए हम लोग। तो टाइम तो कम है, कैसे कैंपिंग? कैंपिंग हम लोग का ऑलरेडी बगान बगान में यूनिट है, बस यहाँ से निकला ये आप लोग का माध्यम से वहाँ रिपोर्ट पहुँचा, हम लोग का तरफ से रिपोर्ट पहुँचा, चालू हो जाएंगे हम लोग। हाँ हम लोग का कमेटी, बूथ कमेटी सारे रेडी है पहले से, क्योंकि हम लोग का यूनिट है ना, यूनियन है, यूनियन का तो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कमेटी यूनिट कमेटी रहता ही है, उन लोग का वहाँ मैंने खबर होने से वो लोग अपना चालू कर देता है अपना गाड़ी, हम लोग उसमें शामिल नहीं रहना चाहते, हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तराई जोन बोलने से हम लोग को अलग एक तो व्यवस्था होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट रहने से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है तराई वालों के लिए, और हम लोग एक कोना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए हम लोग इस बार का हम लोग का मांग है कि हम लोग का तराई में हम लोग का अलग वोट डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। हाँ तराई डुवर्स में तो था, अभी तो फिलहाल में बंद है, अभी नया से लागू नहीं हुआ है बोर्ड ऑफिस तो खुला नहीं है, तो हम लोग का इस बार का डिमांड है कि हम लोग तराई में अलग से बोर्ड चाहते हैं, डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ ये हम लोग का तरफ से बोला हुआ है, हम लोग अभी बिरसा तिर्की जी जो कलकत्ता में है उनका तरफ से डिमांड, हम लोग उनको डिमांड रखे हैं, और थोड़ा ये आया हुए 26 तारीख के बाद में हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलेगा, हम लोग नंबर नौ में जाके अपना वोट के लिए बात करेंगे। हम लोग का वोट तो खाली बगान एरिया में हम लोग का 35,000 वोट हमारा काउंटिंग में है, और अलग अलग संस्था भी है हम लोग का, उन लोग भी सपोर्ट में है जी। हाँ और है बस्ती है, हम लोग का इधर चपड़ा ब्लॉक है, विधान नगर, इधर जो बस्ती में है जो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं उन लोग भी सब हैं। डेवलपमेंट बोर्ड था है,
आदिवासी बोर्ड है, लेकिन अभी जो डिजॉल्व किया गया है उसको, उसके बाद में अब दोबारा लागू नया नहीं है। लेकिन तोरा या डुअर्स मिलके आप लोग नहीं चाहते? नहीं चाहते, अलग से, अलग से। तरह डुअर्स तो एक है हम लोग, पर बोर्ड हम लोग को अलग होने से सुविधा रहे। आपका नाम झाड़ी हो रहा है? झाड़ी हो रहा है। क्या है स्टेट मेंबर? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स तराई द्वारस का वाइस प्रेसिडेंट। आदिवासी विकास परिषद का पुराना नेता जॉन बाल्ला बीजेपी के टिकट से लास्ट इलेक्शन में जयी हुए थे और सेंट्रल मिनिस्टर भी बने थे। बने थे। आपका बोलने का मतलब है क्या जॉन बाल्ला ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मिनिस्टर रहा, बहुत सारे फंड आए थे, लेकिन आदिवासी लोग के लिए कोई फंड खर्चा नहीं हुआ। बाकिया हुआ है तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। बोर्ड में नहीं, जो सरब ने बोला जो एमपी का बात जॉन बाल्ला, तभी तक तो हम लोग का तारे में ऐसा कुछ देखा नहीं गया। और इसलिए हम लोग चाहते हैं, अगर दीदी अगर बोर्ड देना चाहती है, हम लोग राज्य सरकार अगर बोर्ड अगर चाहती है, तो हम लोग को तराई के लिए अलग होने से बहुत बेटर रहेगा। और आने वाला विधानसभा में हम लोग करके दिखाएंगे कि हम लोग को बोर्ड मिल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे। वो तो विधानसभा आने के बाद ही, यार अभी तो हम लोग करने के लिए आए हैं दीदी को सब।